हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड अध्याय 1 आत्म परिचय की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इस चैप्टर के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो सबसे पहले हम एक एक कर इन पंक्तियों का हिंदी अनुवाद जानेंगे, उसके बाद आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली पंक्ति है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में सुप्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मेरा जीवन सांसारिक गतिविधियों से भरा पड़ा है। इस जीवन में कभी सुख है कभी दुख है। हर सुबह यह जीवन मेरे सामने नई चुनौती पेश करता है। इतने परेशानियों के बावजूद भी मैं सदा मुस्कुराते हुए रहता हूँ और मुस्कुराते हुए इन परेशानियों का सामना करता हूँ और आगे की ओर बढ़ने की कोशिश हमेशा करता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ हैं, इतनी परेशानियों से लड़ते हुए भी एक पल के लिए मेरे मुख पर चिंता की लकीर नहीं होती। सदा मैं मुस्कुराते रहता हूँ और हमेशा यह सोचता हूँ कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ और जो मैंने किया है उसे अच्छा और आगे कैसे करूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। एक बार किसी मेरे अपने ने मुझसे प्रेम करके मेरे अंदर प्रेम रूपी तारों को छेड़ दिया है। उससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मैं उसी स्नेह से भरी प्रेम के तरंगों के साथ सुखद यादों में जीता फिरता हूँ। यानी कि कवि कहता है, एक बार किसी अपने ने उससे प्रेम किया तो उन्हीं प्रेम भरी यादों में भी हमेशा जीता फिरता है। उन्हीं यादों को सोच सोच कर अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। एक बार फिर से हम इन पंक्तियों का मतलब जान लेते हैं। तो मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में सुप्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मेरा जीवन सांसारिक गतिविधियों से भरा पड़ा है। इस जीवन में कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। बहुत सारी परेशानी चाहे मेरे जीवन में आए, लेकिन मैं उन परेशानियों से लड़कर हमेशा यह सोचता हूँ कि इन परेशानियों से आगे कैसे मैं बढ़ूँ और अपने जीवन में अच्छा मैं कैसे करूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। एक बार किसी मेरे अपने ने मुझसे प्रेम करके मेरे अंदर प्रेम रूपी तारों को छेड़ दिया। उससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मैं उसी स्नेह से भरी प्रेम तरंगों के साथ सुखद यादों में जीता फिरता हूँ। अब हम बात करते हैं संदर्भ प्रसंग और व्याख्या की। तो संदर्भ है हमारा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरओ में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो देखिए, संदर्भ में आपको लिखना होता है कि जो पंक्तियाँ हैं वो आपकी कहाँ से ली गई हैं और इसके रचयिता या फिर कवि कौन है। और प्रसंग आपका होता है मूवी के ट्रेलर की तरह, जो भी मूवी में होना होता है ट्रेलर में जैसे आपको बता दिया जाता है, उसी प्रकार व्याख्या का सारा निचोड़ प्रसंग में होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय का सजीव चित्रण किया है, यानी कि अपने बारे में उन्होंने बताया है। ये आपकी व्याख्या रही, आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पद की। तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो मैं प्रेम सुरा का पान किया करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि वह सदा प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करते हैं। अर्थात कवि को संसार की परवाह नहीं है, कौन क्या कहता है कौन क्या सोचता है, वह प्रेम सौंदर्य में हमेशा डूबे रहते हैं। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, कवि को संसार की परवाह नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना, इसी सिद्धांत पर वे अपना जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि यह संसार कवि को पागल प्रेमी और दीवाना भी कह चुका है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि के अनुसार यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह सिर्फ उन लोगों का गुणगान करता है जो संसार की प्रशंसा करते हैं। क्या सही है क्या गलत की परवाह किए बिना संसार की प्रशंसा जो करते रहते हैं, यह संसार सिर्फ उनका ही गुणगान किया करता है। परंतु कवि को स्वार्थी दुनिया और उस दुनिया की चकाचौंध में कोई रुचि नहीं है, या फिर आप यूं कहें कि दिलचस्पी नहीं है। उनको जो सही लगता है वह करते हैं। कवि के अनुसार सुनो सबकी करो दिल की। अगर हम संसार के कहे अनुसार चलेंगे तो जीवन का आनंद कभी भी हम नहीं उठा पाएंगे। एक बार फिर से हम इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहला, मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि वह सदा प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करते हैं। अर्थात कवि को संसार की परवाह नहीं है, कौन क्या कहता है कौन क्या सोचता है, वह सिर्फ प्रेम सौंदर्य में डूबे रहते हैं। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, कवि को संसार की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसी सिद्धांत पर वे अपना जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि यह संसार कवि को पागल प्रेमी और दीवाना तक कहता है, लेकिन उन्हें संसार की परवाह नहीं है, कौन क्या सोचता है कौन क्या कहता है, इसकी सोचे बिना वे अपने मन का करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कभी कहते हैं
कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह सिर्फ उन लोगों का गुणगान करता है जो संसार की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु कवि को स्वार्थी और उस दुनिया की चकाचौंध में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको जो सही लगता है वह करते हैं। कवि के अनुसार सुनो सबकी, करो दिल की, वह इसी सिद्धांत पर जीते हैं और अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। अब हम बात करते हैं संदर्भ प्रसंग की, तो संदर्भ आपका सेम रहेगा, प्रसंग आपका, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने मनमोजी जीवन शैली का सजीव चित्रण किया है। उसके बाद आपका व्याख्या हो गई, व्याख्या आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। उस अगला पद है हमारा, मैं चला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाकर उसमें जला करता हूँ, अर्थात उसी प्रेम अग्नि में प्रसन्नतापूर्वक स्वयं को तपाता हूँ। प्रेम रूपी अग्नि सदैव मेरे हृदय में जलती रहती है, चाहे मेरे जीवन में सुख आए या फिर दुख आए, दोनों का मैं एक ही भाव से ग्रहण करता हूँ। अर्थात ना तो सुख के दिनों में मैं ज़्यादा खुश होता हूँ, ना ही दुख के दिनों में मैं ज़्यादा दुखी होता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं हूँ जो संसार के दुख आने पर कहता फिरता हो कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। मेरे लिए सुख और दुख सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कभी कहता है कि लोग तो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नित नए नए साधन तलाशते हैं, जबकि कभी इसी विपदा रूपी सागर की प्रचंड लहरों में रहना चाहता है। कभी सांसारिक दुखों मुसीबतों से घबराता नहीं है, इन्हीं दुख मुसीबतों से लड़कर वह आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि कभी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, वो इन सब से लड़कर आगे बढ़ना चाहता है। एक बार फिर से हम इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। मैं चला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कभी कहते हैं कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाकर उसमें जला करता हूँ, अर्थात प्रेम रूपी अग्नि में प्रसन्नतापूर्वक स्वयं को तपाता हूँ। प्रेम रूपी अग्नि सदैव मेरे हृदय में जलती रहती है, मैं सुख और दुख को एक समान भाव से ग्रहण करता हूँ। मैं यह नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। मैं सुख और दुख को सिक्के के दो पहलुओं की तरह लेता हूँ। ना तो मैं अच्छे दिनों में ज़्यादा खुश होता हूँ, ना ही बुरे दिनों में ज़्यादा दुखी होता हूँ, उनको भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेता हूँ। कभी कहता है कि लोग तो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नित नए नए साधन तलाशते हैं, जबकि कभी इसी विपदा रूपी सागर की प्रचंड लहरों में रहना चाहता है। यानी कि कभी दुख और मुसीबतों से नहीं भागकर उनका सामना करना चाहता है। संदर्भ आपका सबका सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रसंग की, तो प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने सुख और दुख दोनों अवस्थाओं के प्रति संभाव रखने की बात कही है। देखिए ये आपका व्याख्या रही, आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगला पद है हमारा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उम्मीदों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि जिस प्रकार एक युवा संसार की बातों से परे होकर अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसी तरह मैं भी अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे इसी पागलपन और जोश के चलते जीवन में मुझे निराशा और हताशा ही हाथ लगी है, फिर भी बेपरवाह अपनी प्रेममयी यादों में जीता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं अपनी प्रिय की धुन में रहता हूँ, उसकी याद मुझे कभी हंसाती है कभी रुलाती है। दुनिया मुझे देखकर यह सोचती है कि यह कितना खुश मिजाज है, पर उन्हें यह पता नहीं है कि मेरे अंदर अपनी प्रिय की यादों को मैं समेटे हमेशा रहता हूँ। बाहर से देखने वाले कभी भी मेरे बारे में सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है या फिर क्या नहीं। एक बार फिर से हम अर्थ जान लेते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उम्मीदों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि जिस प्रकार एक युवा संसार की बातों से परे होकर अपनी में मस्त रहता है, अपनी मस्ती में वह मस्त रहता है, उसी तरह मैं भी अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे इसी पागलपन और जोश के चलते जीवन में मुझे निराशा और हताशा ही हाथ लगी है, फिर भी बेपरवाह मैं अपनी प्रिय की प्रेममयी यादों में जीता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं अपनी प्रिय की धुन में रहता हूँ, उसकी याद मुझे कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। दुनिया मुझे देखकर यह सोचती है कि यह कितना खुश मिजाज है, पर उन्हें क्या पता मेरे अंदर मैं अपनी प्रिय की यादों को समेटे हुए हूँ। बाहर से देखने वाले कभी भी मेरे बारे में सही से अंदाजा नहीं लगा सकते। अब हम बात करते हैं संदर्भ प्रसंग की, तो संदर्भ आपका सेम रहेगा, प्रसंग है आपका
प्रस्तुत गीतांश में कवि ने अपने जीवन के अतिरिक्त द्वंद्वों एवं विरोधाभास समूलक सामंजस्यों का वर्णन किया है। अब रही आपकी ये व्याख्या, आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला पद है हमारा, कर यत्न मिटे सब शक्ति किसी ने चाना, नादान भइए हाय जहाँ पर दाना। कवि कहता है कि अनेक विद्वानों महापुरुषों ने सत्य की खोज के लिए निरंतर प्रयास किए, किंतु वे सभी अपने अनगिनत प्रयासों के बावजूद भी सत्य की खोज नहीं कर पाए, अर्थात सत्य की परिभाषा नहीं बता पाए। कवि कहता है कि संसार में ज्ञानी और समझदार लोगों के बीच मूर्ख और नासमझ लोग भी मौजूद हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। प्रत्येक व्यक्ति की सत्य की खोज में भौतिक उपादानों की ओर दौड़ रहा है, वह यह भी नहीं समझ पाते कि उनकी खोज वास्तविक नहीं है। जो सच वो खोज रहे हैं वह वास्तविक नहीं है, अर्थात वे इस चकाचौंध भरी दुनिया जो उन्हें सच दिखाना चाहती है उसे ही वह सच मान लेते हैं। फिर सत्य रूपी भ्रम को मिटाने के लिए हमें फिर से परम सत्य की खोज करनी पड़ती है, यानी कि दुनिया जो हमें सच दिखाना चाहती है वह हम सच मान लेते हैं, वास्तविक सच वह नहीं होता है, और इसी सच को मानकर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर से हमें परम सत्य की खोज करनी पड़ती है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, तभी कहता है कि अनेक विद्वानों महापुरुषों ने सत्य की खोज के लिए निरंतर प्रयास किए, किंतु वे कभी भी अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए और वे सत्य की परिभाषा नहीं बता पाए। उन्होंने जो सत्य की परिभाषा बताई वे वास्तविक नहीं है बल्कि काल्पनिक है या फिर भौतिक है। कभी कहता है कि संसार में जितने समझदार लोग हैं, जितने ज्ञानी लोग हैं, उनके साथ साथ मूर्ख और नासमझ लोग भी मौजूद हैं। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में भौतिक उपादानों की ओर दौड़ रहा है, वे नहीं समझ पाते कि हम जो सच खोज रहे हैं वह वास्तविक सच नहीं है। जो दुनिया में दिखाना चाहती है वह हम सच मान लेते हैं और वह सच नहीं होता है। फिर हम इसे बुलाने के लिए फिर से परम सत्य की खोज करनी पड़ती है। संदर्भ आपका सबका सेम रहेगा, प्रसंग है आपका, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन के शाश्वत सत्य का वर्णन किया है। उसके बाद आपका व्याख्या ये रही, आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। अगला पद है हमारा, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है कि जब जब मैं प्रेम के वियोग में रोया, अर्थात प्रिय की यादों में रोया, तो लोगों ने इसे मेरा गाना समझ लिया। मैं किस परिस्थिति में हूँ यह किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। मैंने रोते गिलकते जो कहा उसे संसार ने छंद मान लिया, उसे मेरा गीत मान लिया, लेकिन किसी ने भी मेरे अंदर क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, किस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ यह जानने का प्रयास नहीं किया। क्यों कवि कह कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। ये सब गीत तो मेरे अंतर्मन की आवाज़ है, यह गीत या भावनाएं स्वतः ही उत्पन्न हुई हैं। यह गीत मेरी अपनी भावनाएं हैं। जब दुनिया इन गीतों की वजह से मुझे कभी कहती है तो मुझे आश्चर्य होता है। जब दुनिया मुझे कभी कहकर बुलाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बस एक अपनी मस्ती में झूमता प्रेम दीवाना हूँ और उसी प्रिय की यादों में मैं जो लिखता हूँ, जो गाता हूँ, उसे लोग मेरे गीत समझ लेते हैं और मुझे कभी कहते हैं, और मुझे कभी कहलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कभी कहता है कि जब जब मैं प्रेम के वियोग में रोया, अर्थात प्रिय की यादों में रोया, तो लोगों ने इसे मेरा गाना समझ लिया। मैं किस परिस्थितियों में हूँ, किस हालात में हूँ, यह किसी ने भी जानने का प्रयास नहीं किया। मैंने रोते बिलखते जो भी कहा उसे संसार ने छंद समझ लिया, उसे मेरा गाना समझ लिया। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यह सब गीत तो मेरे अंतर्मन की आवाज़ है, यह गीत या भावनाएं स्वतः ही उत्पन्न हुई हैं। यह गीत मेरी अपनी भावनाएं हैं। जब दुनिया इन गीतों की वजह से मुझे कभी कहती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जब दुनिया मुझे कभी कहकर बुलाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बस अपनी मस्ती में झूमता एक प्रेम दीवाना हूँ। यह सब जो भी मेरी भावनाएं हैं, जो भी अंतर्मन की मेरी आवाज़ें हैं, उन्हें लोग गीत समझ लेते हैं और मुझे कभी कहकर बुलाते हैं, और यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई मुझे अपनी भावनाओं की वजह से, मेरे जो अंतर्मन की आवाज़ें हैं उनकी वजह से कभी कोई मुझे बुलाए। संदर्भ आपके सबके सेम रहेंगे, प्रसंग है आपका, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने हृदय की पीड़ा का सफल चित्रण किया है। उसके बाद आपकी व्याख्या ये रही, आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।